पहाड़ियें दा खाना दे पहाड़ियें दा लाना पहाड़ियें दा खाना दे पहाड़ियें दा लाना दुधे दियां चाटियां दे टक टली आना सिजी जंदी गुजरियां दी टोली ते खंड मिठे लोग डोगरे ओए मिठड़ी है डोगरी। रब का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी खूबसूरत जगहों में रहने का मौका जो है रब ने हमें दिया इस जमीन इस पाया डोगरिया हो दो दिन छुट्टी तू आए जा तेरी सो दो दिन छुट्टी तू आए जा जमाना मोया शक करदा। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। आज हम जो हैं यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। ये जगह है उधमपुर से कोई 5-6 किलोमीटर की दूरी पर। इस जगह का नाम है चक्खड़ गांव है। ये गंगेड़ा जो हिल है उसके बिल्कुल बैक साइड ये पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ की नज़ारे हैं। और आज हम यहाँ पर आपको लेके आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुदेश केसर जी। ये सिंगर हैं और इतनी खूबसूरत जगह पर आ जाए हैं तो गाना जो है वो बनता है। तो सुदेश जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को कौन सा गाना जो है वो सुनाओगे? नमस्कार सभी देखने वालों को। आज मैं उदित नारायण साहब जी का एक नगमा है वो थोड़ा गुनगुनाऊंगा जी। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम बुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। जाने मन देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ। जी वाह, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है और बोल जो इन्होंने गुनगुनाए हैं बहुत ही खूबसूरत बोल जो हैं वो इन्होंने गुनगुनाए हैं। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, देख तो आप रहे ही होंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इतनी प्यारी सी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और इतना खुशनुमा यहाँ का मौसम है। अगर आपको कभी समय लगता है तो आप भी अपना समय निकाल कर इन जगहों में इन वादियों में ज़रूर आइए। कोई ज़्यादा दूरी पर ये जगह नहीं है, बहुत ही नज़दीक है, 7-8 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर घूमोगे तो इतनी ही होगी। और आप जो है सह परिवार यहाँ पर आ सकते हो, पिकनिक मना सकते हो, बहुत ही खुले मैदान भी यहाँ पर हैं। तो इसके साथ ही हम फिर से जो है सुदेश केसर जी से और बोल जो है वो सुनेंगे क्योंकि अब महफिल जो है वो हम जमना शुरू हुई है। तो सुदेश जी अब आगे क्या आएगा? तो आगे सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा छोटा सा गांव है उधमपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है चक्खड़, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए और अपनी जो छुट्टियाँ अभी बच्चों को पड़ी हैं तो सभी यहाँ पर आएँ और यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ। इसी के साथ एक नगमा जो है मैं गुनगुनाऊँगा। इन पहाड़ों में इन उजाड़ों में, इन पहाड़ों में इन उजाड़ों में तुझको तेरा प्यार पुकारे हो जी। वाह, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है और जितनी हसीन ये वादियाँ हैं गाना भी इन्होंने वैसा ही गुनगुनाया है। अब जो है महफिल सजना शुरू ही है तो हम जो है यहाँ पर आपको और ज़्यादा नगमे जो हैं वो भी सुनाएंगे। तो अगर बात की जाए सुदेशी अगर डोगरी की, क्योंकि हम डोगरे लोग हैं तो डोगरी का होना भी बहुत ज़रूरी है, कोई डोगरी गाना जो आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहो? जी, डोगरी, आई लव डोगरी, डोगरी बहुत अच्छी है और मैं डोगरी में भी गुनगुनाता हूँ। थोड़ी सी कोशिश क्या, मैं गाता हूँ डोगरी में, तो एक छोटा सा गीत। ओए होए मिठड़ी है, हाय हाय मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। गल नहीं सार दे ते बोल नहीं आर दे, गल नहीं सार दे
ते बोल नहीं हो आर दे दिन दे नी जुबान तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे पहाड़ियें दा खाना दे पहाड़ियें दा लाना पहाड़ियें दा खाना दे पहाड़ियें दा लाना दुधे दियां चाटियां दे टक टली आना सिजी जंदी गुजरियां दी टोली ते खंड मिठे लोग डोगरे ओए मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे वाह जी वाह मिठड़ी है डोगरा दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे जी बिल्कुल जो इन्होंने गाना गाया है बिल्कुल ये सही बात है। इतनी खूबसूरत जगहों पे हम लोग रहते हैं, हमें उस रब का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी खूबसूरत जगहों में रहने का मौका जो है रब ने हमें दिया, इस ज़मीन इस धरती पर हमें पैदा किया। और जितने भी हमारे आसपास के लोग हमें देख रहे हैं हम उनसे भी यही अपील करते हैं कि आप भी अपना समय निकाल कर इन खूबसूरत वादियों में आइए, यहाँ पर आपको एक अलग ही तरह का सुकून जो है वो मिलता है। और यहाँ पर एक संगीत है, इस हवाओं में संगीत है, जो इन हवाओं का संगीत शायद आपको सुनाई ना दे पर हम जो सुन रहे हैं महसूस कर रहे हैं कुछ अलग ही संगीत है। यहाँ के जो पेड़ पक्षी पौधे जितने भी हैं अलग, सबकी एक ट्यूनिंग चल रही है, एक म्यूज़िक यहाँ पर इन वादियों में है। और आप जब भी इन हसीन वादियों में आओगे आपको एक अलग ही तरह का नशा, अलग ही तरह का आनंद जो है वो महसूस होगा। और हम आज इस आनंद को महसूस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कुछ आनंद की जो झलकियां हैं आप तक भी पहुंचाए, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं अपने गाने के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू आप तक उस आनंद को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदेश जी आगे अब हमारे दर्शकों के लिए क्या आएगा? आगे मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हवा चल रही है, हम जो फोटो उठा रहे हैं, तो कोई भी इग्नोर ना करें, सभी यहाँ पे आए केवल 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, एक बार आके देखें और अच्छा ना लगे तो फिर बोलें। तो इसी के साथ मैं आपको एक डोगरी और गीत है वो थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। भला सिपाहिया डोगरिया ओ रोसलिया रोसलिया तारा तेरी सो रोसलिया रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगता मंदा लगता हो रोसलिया रोसलिया तारा तेरी सो रोसलिया रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगता भला सिपाहिया डोगरिया हो 2 दिन छुट्टी तू आए जा तेरी सो 2 दिन छुट्टी तू आए जा जमाना मोया शक करदा। वाह जी वाह बहुत बहुत खूबसूरत नगमे जो हैं वो इन्होंने हमारे लिए जो हैं वो गाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुनकर थोड़ा बहुत आनंद जो है वो ज़रूर आया होगा। और मैं आपको कहूँगा कि जो हमारी डोगरी ज़ुबान है बहुत ही मीठी ज़ुबान है, और जितने भी हमारे पुराने फोक सॉन्ग हैं बहुत ही जो मैं कहूँगा दिल को छूने वाले हैं, और जब भी हम इनको सुनते हैं तो मज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। पर अगर आप इनको पहाड़ों में आके सुनोगे तो आपको आनंद जो है और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा लुत्फ जो है वो आप उठाओगे, और आपका झूमने के लिए दिल जो है नाचने का दिल करेगा। और आज हम जी सुदेश जी हम भी वैसा ही कुछ महसूस जो है वो कर रहे हैं, और दिल जो है एकदम से आनंदमय हो चुका है। और हम आखिर में आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आप जो है इन पहाड़ों में आओ, इन हसीन वादियों में आओ, और इनका आनंद जो है वो ज़रूर उठाओ। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।